हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक बायोलॉजिकल एजेंट ईस्ट। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ईस्ट कैन एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड चेंजेस देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। दिस रिलीज ऑफ गैस प्रोड्यूसेस द लिविंग एक्शन इन ईस्ट प्रोडक्ट्स। द अल्कोहल इवापोरेट्स कंप्लीटली ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर बेकिंग। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एन एंजाइम कॉल्ड जाइमेस। ईस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट। एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर्स 45 डिग्री फारेनहाइट 7 डिग्री सेल्सियस इनएक्टिव स्टोरेज टेम्परेचर 60-70 डिग्री फारेनहाइट 15-20 डिग्री सेल्सियस स्लो एक्शन 70-90 डिग्री फारेनहाइट 20-32 डिग्री सेल्सियस बेस्ट ग्रोथ प्रूफिंग टेम्परेचर फॉर डो अबव 100 फारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन स्लोस 140 डिग्री फारेनहाइट 60 डिग्री सेल्सियस ईस्ट इज किल्ड। ईस्ट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लेवर इन एडिशन टू लिविंग एक्शन। देर आर वेरियस मार्केट फॉर्म्स ऑफ ईस्ट विच आर अवेलेबल। ड्राइड ईस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड कॉर्नफ्लावर और कॉर्नमील विच आर प्रेस्ड इन टू केक्स एंड ड्राइड। द ईस्ट कंटिन्यूज टू लिव बट इन एन इनएक्टिव स्टेट। वेन फर्निश्ड विथ वार्मथ एंड मॉइस्चर इट बिगिन्स टू डेवलप एंड मल्टीप्लाई बट दिस प्रोसेस इज स्लो। ड्राइड ईस्ट हैज बीन सोक्ड इन द लूकवॉर्म वाटर एंड मिक्सड विथ वेरी सॉफ्ट डो फॉर अ प्रिलिमिनरी पीरियड बिफोर द अदर इंग्रीडियंट्स आर एड। एक्टिवेटेड ड्राई ईस्ट। This develops more rapidly than dried yeast and is the type that is mostly commonly used these days. It can be added straight into the flour. It is also less perishable than compressed yeast. The shelf life of both dry and activated dry yeast is longer when stored in the refrigerator. Compressed yeast. This is a moist mixture of yeast plants and starch. The yeast remains active and will grow and multiply rapidly when added to dough. It has to be kept refrigerated and will keep well only for a few days. If held in the freezer, it retains its activity for a long period. If you like this video, please like, comment and subscribe. Thank you.